केरल के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ और बारिश से खौफनाक हालात हैं। हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं, नदियों में बाढ़ है और शहरों में घर दुकानें सब कुछ डूब गए हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। केरल के इडुक्की की ये तस्वीरें इस खूबसूरत राज्य की बदहाली को बयां करने के लिए काफी हैं। इडुक्की में जबरदस्त लैंडस्लाइड के बाद सैलाब आ गया। देखिए कैसे सैलाब की रफ्तार के आगे घर टूट गए। बाढ़ की तूफानी मार के चलते ये घर कुछ ही मिनटों के भीतर लहरों में समा गया। इडुक्की में हर तरफ पानी भरा नजर आया और इसके बीच नजर आए बेबस लोग। घर मकान दुकान हर तरफ पानी भरा था। जहां हजारों घर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, लोग जान पर खेलकर कुछ सामान बचाने की कोशिश करते नजर आए। कारें पानी में डूबी हिचकोली खा रही हैं। मनियार डैम से पानी छोड़े जाने के बाद इस इलाके में जबरदस्त बाढ़ आ गई है। और कोटायम की ये तस्वीरें भी बाढ़ की तबाही को बयां कर रही हैं। शहर में पानी ही पानी है। अच्छे खासे बाजारों में कई फुट पानी भरा है और इसके बीच पानी में डूबी कारें दिख रही हैं। शहर के करीब बह रहे नाले के हालात देखिए। इसमें बाढ़ का जबरदस्त पानी सब कुछ बहा ले जाने में आमता दिखता है। कोटायम में ये बस बाढ़ के पानी में फंस गई। काफी मुश्किल से इस बस में सवार लोगों को एक एक करके रेस्क्यू करना पड़ा। जरा सी देर जान पर भारी पड़ सकती थी। कोटायम शहर की दूसरी तस्वीरें भी बाढ़ की तरह ही दिखा रही हैं। कोटायम से लेकर कोची तक जबरदस्त बारिश हो रही है और जिंदगी दुश्वार हो चली है। केरल में हालात भयावह हैं। अब तक केरल में बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब दर्जन भर लोग लापता हैं। सिर्फ कोयटम में ही 3 लोगों की मौत हो गई। केरल सरकार ने एयरफोर्स की मदद मांगी है। AM-17 हेलीकॉप्टर और सारंग हेलीकॉप्टरों को तैयार कर रखा है। NDRF की 11 टीमों को तैनात कर दिया गया है। केरल में बाढ़ ने जितनी तबाही मचाई है, उसको देखकर साफ लग रहा है कि इस त्रासदी से निपटने में अभी राज्य को वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।